Thank you.
हाँ जी मधु में बोला है कि ऋषि के आदमी भी भाइयों ने धोखा दिया था, मध्य मध्य में भी जब पाप प्रत्यक्ष तब भी भाइयों ने धोखा दिया था। हाँ जी, तो फिर अंत में कैसा होगा बाबा, भाई कैसा होगा? अष्टदेव में तो बोला गया अष्टदेव जो साथ देते हैं वो तो धोखा नहीं देते, तो उनमें तो पुरुष भी है ना, कोई तो उनको अलग से ऐसा कैसा बोला गया कि पुरुषों ने धोखा दिया? आपको पता पड़ गया क्या? अष्टदेव भाई भाई जरूर आएंगे या माताएं ही जरूर आएंगी, कन्याएं ही जरूर आएंगी या नहीं आएंगी? और एक बार ऐसे ही बोला गया कि एक बात तो पक्की कर लो पहले, आत्मा की बात है सूर्य की बात है, ये आत्मिक स्थिति की बात है, तो मतलब अष्टदेव स्पिरिचुअल ही हो सकते हैं, स्त्री चोला ही हो सकते हैं, रुद्रमाला में पुरुष चोले नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं, पुरुषों ने धोखा दिया ऐसा बोला गया तो ठीक है, देवान ज्यादा आ जाता है, अभी सारे संसार में डंका ही बोल रहा है पुरुषों का, नाम मात्र के लिए भारत में बात चलाते हैं कि कन्याओं माताओं को भी आगे होना चाहिए, लेकिन गहराई में घुस के देखा जाए तो पता चलता है उनके पीछे भी पुरुषों का ही हाथ होता है। और एक बात बाबा, ऐसा बोला कि यज्ञ के आदि में बच्चे साक्षात्कार में जाती थी और माला के मंत्रों के नाम ले आती थी, माला के मंत्रों के नाम ले आती थी, जिसकी लिस्ट आज भी उन दीदी दादियों को मैं पौधे देख करके बताया, दो लिस्ट कौन से? चंद्रमणि निर्मल शांता, ये सब नाम दिए हुए ही तो हैं, प्रकाश मणि, ये मणि मणि ढेर सारी निकल पड़ी छोटे वाले हैं ना, हाँ तो नाम दे दिए ना। नाम बंद भी कर दिए, माला बनाना ही बेकार हो गया। हमारा भी नंबर होना चाहिए। अगर आदमी को एक आंख होती कहते एक आंख ही क्यों है, आदमी को दो आंख होती तो कहते दो ही क्यों है, ये कोई बात थोड़ा ही होती है। नौ का मतलब है कि दुनिया में नौ धर्म ऐसे हैं जिनमें राजाइयां चली हैं, और उन राजाओं को राजाई सिखाने वाला कोई नहीं हुआ हिस्ट्री में, इसलिए नौ को ही उठाया गया है। नौ को ही बाप से विश्व की बात कही मिलती है, नंबरवार पुत्राख अनुसार, इसलिए नवरत्न भी गाए हुए हैं, नौ देवियां भी गाई हुई हैं, आठ पटरानियां भी गाई हुई हैं। अभी आपके साथ जो रिद्धि करने वाले हैं, जो तो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो क्या है वा? वाले में दुनिया में हर धर्म के बीज कहाँ हैं? है? जब हर धर्म के बीज हैं तो हर धर्म के बाप यही मौजूद है, भला भी बोलबाला जड़ों का है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि जड़ों के जो उद्धार मूर्त बीज है उनका भी नाम बाला हो जाएगा,
बोल संसार में चमकेंगे। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले निम्न कोटि के हैं, उनसे ज्यादा ऊंची तो वो है जो सीधे साधे हैं, देव कुल के हैं और उनसे भी ऊंचे वो हैं जो भगवान भगवती के कुल के हैं। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है रिद्धि सिद्धि सीखने वाले सिखाने वाले भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देव कुल में जाते हैं और मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। विनाशी पैसा कमाते हैं या अविनाशी कमाई कमाते हैं? और त्र्यंबकेश्वर जो है वहाँ पे ना नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध ऐसी जो है क्रिया करते हैं, उसका कारण क्या है? ठीक करते उसका नाम ही है ईश्वर। कैसा ईश्वर? त्रियंबा, तीन अंबाएं जो मानी जाती है उनका ईश्वर। तीन अंबाएं कौन कौन सी है? तीन पिताएं मान लिए तो तीन अंबाएं मान लिए, है वास्तव में एक ही पिता त्रिमूर्ति सेवक, परंतु उसकी तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा से कनेक्ट सरस्वती, विष्णु से संबंधित वैष्णवी या लक्ष्मी और शंकर से कनेक्टेड पार्वती। तीन अंबाएं हो गई, तीन अंबाओं का ईश्वर कौन है? तीनों का कंट्रोलर है वो त्र्यंबकेश्वर है। जैसे वैष्णवी देवी के मंदिर में तीन पिंडी है, ऐसे ही त्र्यंबकेश्वर में तीन पिंडी बनाई हुई है। और बम्ब एक तरफ पहले वो प्रत्यक्षता करने वाला, बॉम्बे को तो प्रत्यक्षता करने वाला नहीं बताया, अव्यक्त वाणी में बोला है दिल्ली है स्थापनाकारी, बॉम्बे है विनाशकारी और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। बॉम्बे शब्द ही काय से बना है? बॉम्ब से। और बॉम्ब का कनेक्शन कौन से देवता से है? हर हर बम बम। और बीज एक ही होता है,
लेकिन धरणी अलग अलग प्रकार की हो जाती है। तो बीज से जो फल निकलता है वो अलग गुणों वाला हो जाता है। बीज बाप एक ही होता है और धरणी अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो फल निकलता है उसमें अंतर पड़ जाता है। इसलिए द्वितीय अधिकारी की कथा भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। द्विती से दैत्य पैदा हुए और आदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए। आदिति एक के प्रभाव में रहने वाली और द्विती का अर्थ ही होता है खंडित। तो उसे द्वैतवादी असुर पैदा हो गए। विविचार से असुरों का जन्म होता है और अब विविचार से देवताओं का जन्म होता है। और क्या बोला जा रहा है। गोदावरी के पात्र में घंटा रखा है, नारायण शंकर का घंटा, ऐसा कुछ कहते हो इसका मतलब क्या है? गोदावरी के पात्र में बहुत बड़ा घंटा रखा है। हाँ जी, नारायण शंकर का घंटा कहते हो। हाँ जी, कहाँ की बात है? गोदावरी के पात्र में नासिक में जहाँ से गोदावरी नदी गुजरती है वहाँ गोदावरी देवी की मूर्ति बनी है। क्या बना हुआ है? गोदावरी का मंदिर है। मूर्ति किसकी है? है? गोदावरी की मूर्ति है कहते हैं, देखा नहीं है? पूरी बात बताओ। ओहो, नारद शंकर वो तो ठीक है, शंकर जी का नारा लगाने वाला, लेकिन मूर्ति किसकी है? मूर्ति गोदावरी की है और 12 साल के बाद वो खुलती है तो ऑटोमेटिक ताला खुल जाता है। फिर अपने आप बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक ताला खुलता है। सबने देखा है अपने आप ताला खुल जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। जब बंद करते हैं तो कोई बंद करने जाता है कि अपने आप खुल जाता है? बोलता है, देखा नहीं आपने? सच्ची सच्ची बात बताओ तो सच्चा सच्चा अर्थ निकले। उनके मुकाबले कई गुना ज्यादा रहता है, लेकिन उसके मार्ग में ये कहा जाता है आखिर में जब बच्चे नंबर 1 बन गए और एक ही बात सच्चा है, बाकी गुण नहीं रहता। लेकिन भक्ति मार्ग में गंगा को ही पतित पावनी कहा, तो उसकी छुट्टी में
में भी कुछ ऐसा पाल बजा होगा। बता तो दिया, कोई भी नदी अगर बाप से कनेक्टेड है, सागर से कनेक्शन है नदी का, तो नदी पतित पावनी है। और बाप से कनेक्शन नहीं है तो नाला बन जाती है। तो जरूर शूटिंग होती है राम तेरी गंगा मैली, कलयुग में मैली हो जाती है और सतयुग के आदि में गंगा स्वच्छ हो जाती है। वो साधु संत उल्टी बात कहते हैं कि मनुष्यों ने गंगा में स्नान करके उसको गंदा कर दिया, तो हम उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो अपन को क्या कहते हैं, शिव हम कहते हैं। बाप का टाइटल उन्होंने अपने ऊपर रख लिया है, इसलिए बाप का काम भी वो अपना काम समझते हैं। क्या काम? कि दुनिया गंगा में स्नान करके उसके जल को दूषित कर देती है और हम अपना बुद्ध रूपी पांव डालते हैं तो गंगा पावन बन जाती है। जैसे वो अपने ऊपर साइकिल धराए लेते हैं शिव के, श्री श्री 108, अपन को समझते हैं हम माला बनाने वाले माला के मुखिया हैं, तो शिव का टाइटल अपने ऊपर रख लेते हैं। वास्तव में शिव की बात है, वो तो अपनी घरवाली को ही छोड़ करके भागते हैं, उसको कोई अपने संग के रंग से पावन नहीं बना सकते, वो तो डूबने का डर रहता है तब तो भागते हैं, नहीं तो क्यों भागते हैं? कल्याण को मेरा कराची है, तो जो पार्ट कराची में चला वो कल्याण में चलेगा। 500 करोड़ देहधारी है और 500 करोड़ देहधारी 500 करोड़ तरह की बातें करेंगे, तो उनकी सबकी बातों का अर्थ निकालेंगे क्या? हाँ, जो भी किसी ने बोला देहधारी ने और आपने पूछना शुरू कर दिया कि इसका अर्थ क्या करेंगे, आप नहीं थे तो आपने कहाँ से सुन लिया? अरे बाबा ने मुरली में क्या क्या बोला, व्यक्तवाणी में क्या क्या बोला, उसका अर्थ पूछो ना। देहधारी तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, वो अपने स्वार्थ में आकर के कुछ भी बोलेंगे, जो बोलेंगे वो स्वार्थ है उसका भाषा बोलेंगे। जो भक्ति मार्ग में सुनते रहे हैं कि धर्मराज के दूत लेने के लिए आते हैं, हाँ तो वो उनको दिखाई पड़ता है, सच्ची होता है। अरे प्रेम रहता है भक्ति मार्ग में, जैसा सुनते रहते हैं जिंदगी भर जिस बात पे आस्था रही अंत समय वो बात याद आ जाती है, दिखता है क्या? हनुमान के भक्तों को हनुमान का साक्षात्कार होता है,
गणेश के भक्तों को गणेश का साक्षात्कार होता है तो उनको क्या इन आंखों से दिखता है? इन आंखों से नहीं दिखता ना, उनकी भावना है ना उनकी। जैसे कोई स्वप्न देखता है, स्वप्न कब बनते हैं? संकल्पों के आधार पर, स्वप्न संकल्पों के आधार पर स्वप्न का सृजन होता है। ऐसे ही उनको साक्षात्कार होता है। बाबा दिल्ली सुखधाम बनता है और माउंट आबू शांति धाम बनता है और अहमदाबाद को कंट्रोलिंग सेंटर का है, ये तीनों जगह पे कंट्रोल करने वाली जो शक्ति होगी वो कौन होगी? बाप के कनेक्शन में चलेगा कि अपने सबको चलेगा? तीन देवताएं हैं, एक सुखदेवा, एक शांति देवा और तीसरा तप कर राज, राज कर नरका। में आने के बावजूद भी जिनको कंट्रोल करने की इच्छा है तो वो ब्राह्मण है या शूद्र है? इच्छा जो भी करेंगे भगवान की छत्र छाया में वो इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन वो अल्पकाल की इच्छा है या सदाकाल की पूर्ति करने वाली है? तो तीन लोक दिखाई दिए, सूक्ष्म तीन पुरियां दिखाई दी गई है, तीन पुरियों के तीन देवताएं दिखा दिए, ऊंचे से ऊंची पुरी है शांति धाम, शांति देवा की, मध्यम पुरी है सुखदेवा विष्णु और नीच पुरी है ब्रह्मा की दुखधाम। यहाँ तो हमको बनना है इच्छा मात्र अविद्या, कोई प्रकार की इच्छा नहीं, पाना था तो पा लिया। हाँ जो है विष्णु में जल्दी सीख जाते हैं, माताएं नहीं सीख पाते। कोई माता ने प्रश्न किया, अगर कोई कोई माताएं सीखेंगे तो बाबा ने उत्तर दिया सीखेंगे तो महाकाली बनेगी क्योंकि रुद्रमाला है। बाबा ने एक बीज बाप को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बीज बाप को कहा जाता है और माता किसको कहा जाता है? धरणी को। धरणी बीज को धारण करती है या बीज धरणी को धारण करता है? धरणी बीज को धारण करती है। धरणी हिलेगी तो बीज हिल जाएगा या बीज हिलेगा तो धरणी हिल जाएगी? ये कली की दुनिया है या सत्य की दुनिया है? कली की दुनिया में आसुरों का राज्य होता है, यथा राजा तथा प्रजा सब आसुर होते हैं या कोई देवताओं की भी चलती है? सब असुर होते हैं। जहाँ कली की दुनिया में सब असुर हो जाते हैं वहाँ कन्याएं माताएं सब अबला बन जाती हैं। कोई कितना भी दिखावा करे,
कि कन्या माताओं को आगे बढ़ाते हैं, फिर भी कन्या माताएं आधी निजी बन करके रह पाती है, क्योंकि स्त्री चोला अपनी सुरक्षा अपने आप नहीं कर सकता। कोमल तन होता है, कोमल मन होता है, कोमल वाणी होती है, और कोमल तन होने के कारण धन के ऊपर भी उतना आधिपत्य नहीं हो पाता। कोई न कोई के प्रभाव में आकर धन भी गंवा देते हैं। कलयुग में आकर अबला बन जाती है, और बाप आते हैं, आते हैं का मतलब प्रत्यक्ष होते हैं, तो स्त्री जाति सबला बन जाती है। तब कहेंगे कि उनके हाथ में सत्ता आती है, तो सब शास्त्र शिरोमणि कही जाती है। अभी नाम दिया है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता माता, परंतु सर्वशास्त्र शिरोमणि दिखाई नहीं देती। बाप प्रत्यक्ष होगा और कन्या माता श्रीमती शक्तियां बनकर सबला बनकर संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। इसलिए मुरली में बोला, पहले कहते थे कि राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की थी, और अब क्या होगा, अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तो सबला बन के निकलेंगी या अबला बन के निकलेंगी, बात एक ही है। गंगा कहो या कोई माताएं कहो, बाप से सच्चा कनेक्शन है, बाप के ऊपर पूरा अर्पण में है, तो नदी पति तो पावनी है। कनेक्शन नहीं है, अर्पण में नहीं है, तो नदी नाला बन जाती है। पानी को पावन नहीं कहा जा सकता। वाणी में ताकत नहीं रहती, आज का समाज एक सूत्र में बंधा हुआ नहीं है। और जो दिखाई देता है एक सूत्र में बंधे हुए, वो एक ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाले नहीं है। जब ऊंच से ऊंच प्रत्यक्ष होगा और शिव की शक्तियां एक से बंधी हुई होंगी, एक के डायरेक्शन में, तो माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। उस माला का नाम ही है वैजंती माला।
विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली। तो बाप के डायरेक्शन पर होगी तब विजय प्राप्त करेगी, या मनुष्यों की मत पर या मनमत पर विजय प्राप्त करेगी? बाप के डायरेक्शन पर ही विजय प्राप्त करेगी। इसलिए शिव शक्तियों का गायन है। रुद्रमाला के मण के बल स्त्री चोले में भी है और पुरुष चोले में भी है, परंतु रुद्र जो रौद्र रूप धारण करने वाला है उस रूप को पहचानना जरूरी है। यहाँ तो बाप ने बोला है कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, नहीं पहचानते हैं तो छिटक के दूर चले जाते हैं। नहीं तो जो पहचानने वाला होगा प्रीति बुद्धि होगा, इसने ही होगा तो इसने ही नजदीक आना चाहेगा या दूर दूर भटकेगा? नजदीक आना चाहेगा। परंतु माया रावण बरगलाए देता है, माया रावण का काम ही है बुद्धि को विविचारी बनाना। इसलिए ये विरोधाभास हो जाता है। और माता जो है बीज से धारण करती है तो शक्ति स्वरूप बनती है। बीज रूप तेज धारण तभी करेगी जब बाप से कनेक्शन होगा। महाकाली बनती है तो उसका बाप से कनेक्शन होता है? नहीं होता तो किसके कनेक्शन में आ गई? भक्तों के कनेक्शन में आ गई, और भक्त सब होते हैं रावण संप्रदाय। अकेली देवी की उपासना करेंगे, देवी को अच्छा लगता है कि मेरी पूजा हो रही है। कर्ण के बारे में कहा है कर्ण ब्रह्मा का अवतार है। कर्ण के बारे में कहा है कि कर्ण ब्रह्मा का रूप है। कर्ण कर्ण हाँ जी, तो एक कर्ण अपना कवच कुंडल भगवान के कहने पे उतार देता है, वैसे ब्रह्मा कौन सी कवच कुंडल उतारता है भगवान के कहने पे? कर्ण माना क्या है? कर्ण का अर्थ क्या है? कान, कान क्या करता है? सुनता है, और जो सुनने वाला होगा वो दूसरों को सुनाएगा भी। लेकिन कोई जरूरी है कि जो कान सुनता है वो समझता भी है? उसका काम सुनने का है, तो सुनना सुनाना भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है। भगवान के कहने से निकाल देता है तो भगवान ही तो कहते हैं कानों से सुनना सुनाना ये सिर्फ है भक्ति मार्ग। क्या करना है? जो भी कानों से सुना है उसको समझना है। बिना समझे और ऐसे ही एक्ट में लाना, उससे सिद्धि नहीं होगी।
तो भगवान जब प्रत्यक्ष होता है तो परित्याग कर देता है। अगर चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन सब बच्चों के लिए रुके हुए हैं। कितने बच्चों के लिए रुके हैं? कितने बच्चों को साथ ले जाते हैं? हम तो सबको लेके जाते हैं। जिन बच्चों को साथ ले जाएंगे, जो साथ में जाने वाले बच्चे होंगे और जो पीछे पीछे जाने वाले बच्चे हैं, उनमें कुछ फर्क भी तो होगा। एक होते हैं घराती और एक होते हैं बराती। साथ में कौन जाते हैं? बराती साथ ही जाते हैं। जो घराती होते हैं वो साथ में जाते हैं। तो साथ में जाने वाले कितने हैं? आप तो विशेष हैं, 108 भी विशेष ही है। 100,000 ऐसे हैं जो साथ में जाते हैं। जब जब रुद्र यज्ञ रखते हैं तो 100,000 सालिग्राम बनाते जरूर है। भक्तों ने शिव और शंकर को बिना समझे मिलाई दिया। यह समझा? बिना समझे ऐसे ही मिलाई देते। वो ये थोड़ी समझते कि शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग है और हम बच्चे समझ करके एक मिलाए देते हैं या बेसमझी से मिला देते हैं। क्या हमारे अंदर समझ आ जाती है कि बाप समान इस तेज को धारण करने वाला पहली पुरुषार्थ की आत्मा जो निकलती है उसका नाम भक्ति मार्ग में शिव के साथ जोड़ दिया गया। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर मिलाकर एक कर दिया गया। तो समझ पूर्वक जो कार्य किया जाता है या करने वाला है वो ज्ञानी कहा जाएगा या अज्ञानी भक्त कहा जाएगा। भक्ति मार्ग में भी मिलाए देते हैं शिव शंकर को और ज्ञान मार्ग में एडवांस पार्टी वाले भी शिव शंकर को मिलाकर एक सिद्ध कर देते हैं। तो कौन सा ज्ञानी है और कौन सा अज्ञानी है? कौन सा भक्त है और कौन सा ज्ञानी है? जो समझ करके दूसरों को समझा सकते हैं कि शिव शंकर एक कैसे हैं, वो है ज्ञानी। और सिर्फ कहते हैं शिव शंकर एक ही है, फिर समझाते क्यों नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी लोगों को सुनाते हैं कि शिव शंकर अलग अलग हैं, परंतु शिव शंकर अलग अलग कैसे हैं ये नहीं बता सकते। और उनको मिलाकर भक्ति मार्ग में एक क्यों कर दिया गया इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए वो तथाकथित ब्राह्मण भी भक्त हैं। तो कृष्ण का जन्म होगा तभी और भी कृष्ण जैसी आत्माओं का जन्म होगा ना? हाँ, एक कृष्ण का जन्म होता है उसके साथ और भी कृष्ण देवता होते हैं ना जन्म देने वाले नंबर वाले। ठीक है, कोई का कोई कोई कहते हैं कि कृष्ण का जन्म होगा बाद में और दूसरे बच्चे जन्म नहीं लेंगे। जो 18 साल है सन 36 तक
उनमें दूसरे बच्चे राधा कृष्ण कैसे जन्म नहीं लेंगे? हाँ जी अभी मुझे लगा कि श्राप देने वाले शैतान होते हैं और बड़े से बड़ा शैतान तो कृष्ण को कहाँ है? हैं? बड़े से बड़ा शैतान ब्रह्मा बाबा को कहाँ है? कहाँ है? हाँ कैसे? मुरली में कहाँ है? कैसे? बाबा उन्होंने क्या श्राप दिया? वही है वही सिखाना श्राप उन्होंने किसको कब कहाँ और कैसे दिया? गीता का भगवान को तो श्राप हो गया ना जाने का कैसे? भाग गए ना सब अनिश्चय बुद्धि हो गई ना बुद्धि में किसी को बैठ नहीं रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं है तो बुद्धि सबकी पढ़ रही है। आज तक भी कोई भी दुनिया भी जो भक्ति मार्ग के विद्वान आचार्य है उनकी बुद्धि में ये बात बैठी कि गीता का भगवान सत्य नहीं है तो भगाया या थमाया? भगाया बाबा भक्ति मार्ग को राहुल राज और वो देवियों के जो पुजारी बाबा ने कहा है देवियों के पुजारी रावण संप्रदाय। हाँ जी तो रावण को जलाते और देवियों को डुबाते ठीक है क्यों? रावण को जलाना और देवियों को डुबाना और उनको ज्ञान जल में डुबाए देते हैं देवियों को और रावण ने मनमत चलाई है बरगलाया है इसलिए उनको जलाए देते राख बनाए देते देवबान जला देते देवबान जलाए देते हैं ताकि दोबारा पैदा न हो जाए। ज्यादा पाप कर्म कौन करता है? डूबने वाली देवियां ज्यादा पाप कर्म करती है या मनमत चलाए कर दूसरों की बुद्धि को बरगलाए देने वाले ज्यादा पाप कर्म करते हैं? और मुर्गी में आया कि जो बच्चे समझते हैं ज्ञान को मैं उन्हीं से बात करता हूँ। शिव सुप्रीम सोल ब्रह्मा बाबा में 47 में प्रवेश किए और 50-51 से मुरलियाँ शुरू हो गई। जो बीच में के 4 साल थे वो सिर्फ धारावाही थी। 51 से मुरलियाँ शुरू हुई? मुरली में तो बोला है कराची से ही मुरली निकलती चली आ रही है। धारा प्रवाह से चलते थे पहले मुरली की कापियां नहीं निकाली जाती थी बाकी सुबह शाम क्लास करते थे। 50-51 से कापियां निकालने लगी। हाँ जब बाहर भेजा है बच्चों को तो कापियां निकालना शुरू की। 50-51 से लेकर 68-69 तक 18 साल का वाणी चली बाबा। हाँ वाणी का प्रूफ है क्योंकि उसकी लिखो कापियां निकाली गई। लेकिन बाबा एडवांस के बच्चे जो ज्ञान को समझते हैं और समझा सकते हैं उन बच्चों के पास वो पूरा वाणी पहुंची नहीं है। 18 साल का जो भी वाणियां चलाई थी वो वाणियां एडवांस के बच्चों के पास पहुंची नहीं है। तो हमारे पास भी मौजूदा सिर्फ 5 साल की वाणियां हैं। तो बाकी के जितने भी साल वाणियां चली वो तो बेमतलब हो गई ना बाबा। क्यों ये कैसे मालूम हुआ वाणियों का जो प्रतियां हैं वो अब मिलेंगी ही नहीं ये कैसे पक्का कर लिया? बाबा ने बोला है ब्रह्मा बाबा ने वो तो आदि की भी जो वाणियां थी पीयू की तो मिलने वाली नहीं है। क्यों? बाबा ने बोला है बाबा की वो बक्से में डालकर जमीन में खोद के रख दिए तो गाड़ दिए तो उनको लोहे के बक्से में ही रखने की क्या दरकार थी? फिर तो फाड़ करके जमीन में गाड़ देते। आज तो कल मिलेंगे अगर उसका स्वरूप लेना ही नहीं था बाद में तो लोहे के बक्से में डालने की क्या जरूरत? तो फाड़ देते पानी में गलाए के जमीन में गाड़ देते सर जाती। लोहे के बक्से में क्यों डाला?
काम आएगी, इच्छा थी ना। बाबा आगे चलकर वो मिलने वाला, उसका क्लेरिफिकेशन भी होने वाला है। अंत में सब प्रत्यक्ष हो जाएगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। ये तो मुस्लिम बोला है, सवाल आया है बाबा ने कहा है आदि से अंत, आदि में कृष्ण बच्चे का जन्म गीता माता से होता है और अंत में लक्ष्मी से कैसे होता है। प्रश्न वाजिब है या नाजायज है? आदि में जो कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ वो सुनने सुनाने के आधार पर हुआ या समझने समझाने के आधार पर हुआ है? सुनने सुनाने के आधार पर, जैसे आज कोई होते हैं सुन लेते हैं भगवान आया हुआ है, चलो भट्टी करा लाए, भगवान से मिला लाए, सुन लिया और चल पड़े। फिर फाइनल में जब कड़ी कड़ी परीक्षाएं आती हैं तो उल्टे हो जाते हैं। तो उनका असली जन्म कहें या अल्पकाल का नकली जन्म कहें, तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में सुनने सुनाने का फाउंडेशन पहले पक्के के ऊपर पड़ गया। लेकिन प्रैक्टिकल असर तब पड़ता है जब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में देने वाली गीता माता सामने आती है। एक है शिव की गीता, एक है मनुष्यों की गीता। शिव की गीता से स्वर्ग बनता है और मनुष्यों की गीता से नरक बनता है। सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग और प्रैक्टिकल कर्म में दिखाना यह है ज्ञान मार्ग। कोई आत्मा ऐसी होती है बोलती बहुत है कहती बहुत है करके नहीं दिखाती, उनको कहेंगे भक्त। कथनी करनी अलग अलग है, एक नहीं है। और ज्ञानी किनको कहेंगे? जो कहते भी हैं और करते भी हैं। फर्स्ट क्लास ज्ञानी वो है जो कहते मुख से नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं। तो एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, दूसरी है प्लानिंग पार्टी और तीसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। संसार का परिवर्तन का श्रेय किनके ऊपर जाएगा? जो प्रैक्टिकल करके दिखावेंगे, उनकी जो मुखिया निकलती है वो ही है शिव की सच्ची गीता।
सिद्ध की गीता से स्वर्ग बन जाता है और मनुष्यों की गीता से नरक बन जाता है, या तो डुप्लीकेट स्वर्ग बन जाता है। सन 47 में कौन सा स्वर्ग बना था? मॉडल बना था। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में आज भी अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। और जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग मिलता है। हाँ जी, श्रीनाथ द्वारे में किस प्रकार का भोग मिलता है? हाँ। तो ये शूटिंग पीरियड में जब जगन्नाथपुरी जगन्नाथ वाले आत्मा जब पुरुषार्थी है तब वो खिचड़ी का भोग, और जब जगन्नाथ वाले आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं का जो नाथ बनती है संगमी स्वर्ग में तो उसको श्रीनाथ कहेंगे ना, 36 प्रकार का भोग अतीन्द्रिय सुख रूप में होती है जो 36 प्रकार का भोग लगता है स्वर्ग में। अतीन्द्रिय सुख वो रूप कौन सा होता है? अरे कोई प्रैक्टिकल रूप होता है। पुरुषार्थी जीवन का कोई रूप होता है? संगमी लक्ष्मी नारायण। और तो जनता जनार्दन भी कहा जाता है। सब किस प्रकार का जो भोग लगाया जाता है वो कहाँ की यादगार है? किस समय की? लास्ट की है? लास्ट की जब संगमी स्वर्ग स्थापन होगा कई आत्माओं के लिए और अतीन्द्रिय सुख के लिए 36 प्रकार का भोग बोल सकते हैं। जब 36 प्रकार का भोग स्वर्ग में लगेगा वो पुरुषार्थ जीवन की चढ़ती कला होगी। जगन्नाथ का भंडारा और श्रीनाथ का भंडारा ये प्रैक्टिकल जीवन की यादगार है या देवताएं जब संपन्न बने उस संपन्न बनने के बाद की यादगार है? पुरुषार्थ जीवन में प्रैक्टिकल जीवन की यादगार है। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उनके साकार चोले से अंतिम पुरुषार्थ था। उस समय मेवे की सब्जियां बनती थी। इसलिए श्रीनाथ दरबारे में 36 प्रकार का भोग लगाया जाता है। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो अपन को कहलाते हैं उनकी ये मान्यता है कि यहाँ हम जैसे जैसे रॉयल्टी से खाएंगे पिएंगे पहनेंगे और रहेंगे तो वहां भी हमारी ऐसी ही शूटिंग होगी। हाँ जी, तो उसी की शूटिंग है, उसी को भक्ति मार्ग में दिखाया है पश्चिमी सभ्यता। श्रीनाथ का दरबारा पश्चिम में है या पूर्व में है? पश्चिम में है और पूर्वी है सभ्यता जगन्नाथ पूर्व में है। जब सारी दुनिया का कल्याण करना है तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, या हम अपने को श्रेष्ठ समझे और अपने को अच्छा अच्छा दे और दूसरों को नीच समझ करके नीचा नीचा दे।
हाँ बीच में पेपर में दिया था जगन्नाथ मंदिर में जो खिचड़ी का भोग बनता है जिस कुएं के पानी से, कुआ सूखता जा रहा है घर के पास, पूरा नीचे सतह तक पानी चला गया, उसका कारण है? उसका कारण क्या हो सकता है? क्या आपका जो खिचड़ी बनता है जगन्नाथ मंदिर में जिस कुएं का पानी से बनता है, कुएं का पानी सूख गया, मतलब पूरा लास्ट स्टेज पर आ रहा है। ये सब पानी सूख गया? सूख गया, पानी नीचे तक चला गया। हाँ खत्म होने को आ रहा है। हाँ पहले भरा हुआ था। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती हुआ सीमाहीन है या सीमा के अंदर है? शिव जो है वो सीमाहीन है और शिव जिसमें प्रवेश करता है वो सीमा वाला है या सीमाहीन है? शूटिंग पीरियड में सीमाहीन है। बच्चों के संग के रंग से प्रजापिता वाली आत्मा के ऊपर पर असर पड़ता है या शिव के ऊपर असर पड़ता है? रामकृष्ण की आत्माएं भी प्रभावित होती है तो कुआ या तालाब ये मनुष्य आत्माओं की यादगार है या परम पिता की यादगार? मनुष्य आत्माएं सूख सकती है, सागर कभी सूखता नहीं है, दिखाई दिया है शास्त्रों में। क्रौंच के पक्षियों ने सागर को सुखाई दिया, करण परंतु क्या पक्षी सागर को सुखाते हैं? अगर चैतन्य में त्रिमूर्ति का चित्र है वैसे ही चैतन्य में झाड़ का और सीढ़ी का चित्र बताना है तो कैसे बचाएंगे? चैतन्य में झाड़ का चित्र दिखाएंगे? झाड़ तो जड़ होता है, तीन मूर्तियां तो चैतन्य में जरूर रही होंगी, उनको चैतन्य दिखाएंगे। लेकिन आगे जाके प्रत्यक्ष होएंगे तो क्या प्रत्यक्ष होंगे? झाड़ में जो अक्षर हम के अक्षर देव जो भी है हाँ वो तो प्रत्यक्ष होएंगे तो वैसे आगे प्रत्यक्ष करेंगे बताने के लिए। हाँ जी प्रत्यक्ष होंगे तो आठ धर्मों के आठ पूर्वज दिखाई भी जाएंगे, उनकी डायनेस्टीज भी होगी। और आगे जाके फिर चैतन्य में त्रिमूर्ति का जो ज्ञान है वही देना है या अष्टदेव का फिर देने की जरूरत नहीं ना? त्रिमूर्ति के ज्ञान में ही सारा ज्ञान हुआ है। जो जिसके फॉलोअर होंगे वो उसका चित्र संसार में प्रत्यक्ष करेंगे, एक के फॉलोअर होंगे तो एक का चित्र प्रत्यक्ष करेंगे। लेकिन बाबा चित्र जो है जैसे सीढ़ी का चित्र है तो भारतवासियों का है ना? सही बात है, तो चित्र भी जो है भारतवासियों के भी प्रत्यक्ष करेंगे, लक्ष्मीराम का चित्र भी जो भारतवासियों के बिल्कुल चारों चित्रों तो चारों चित्र जो है वो सब तो बीच में समय है ना है? तो चारों चित्र को प्रत्यक्ष करने वाले हैं आठों को नहीं, चार को ही प्रत्यक्ष करने वाले, आठ को प्रत्यक्ष करने वाले नहीं है, है? चित्र चार है, चित्र तो चार है, चित्र चार ही है, आठ नहीं है। चैतन्य में तो आठ चित्र है है, लेकिन जो स्कूल में चार चित्र बनाए हैं हाँ, जैसे त्रिमूर्ति है, झाड़ है, हाँ लक्ष्मी नारायण सीढ़ी है, हाँ चारों चित्र जो है जैसे त्रिमूर्ति है उसमें झाड़ किसको कहेंगे? झाड़ किसी चैतन्य व्यक्ति का नाम देंगे क्या? झाड़ जो है झाड़ तो विस्तार है ना, झाड़ विस्तार है,
तो जो विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है, वो कौन सा बीज है जहाँ से विस्तार शुरू होता है? तो बाप ही है ना। बाप तो शॉर्ट कर देता है। गीता का भगवान दुनिया को शॉर्ट बना देता है या विस्तार कर देता है? सार में लाए देता है। इस्लाम धर्म है जो दुनिया को विस्तार में ले जाता है।